बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में खबरों की, लेकिन उसके पहले मुरैना से एक बड़ी खबर का जिक्र, जहां पर अवैध हथियार का वीडियो वायरल करने के बाद एक्शन लिया गया है। महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध हथियारों की सफाई करते महिला दिखाई दी थी, दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भीम आर्मी का पदाधिकारी भी इसमें शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महुआ थाना इलाके का पूरा मामला है और हथियारों की किस तरीके से सफाई हो रही है, जरा आप एक बार तस्वीर देखिए। यह एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जहां पर मुरैना में अवैध हथियार का वीडियो, हथियारों को साफ करते हुए एक महिला नजर आ रही है। वीडियो में बाकायदा पानी में डालकर ब्रश लगाकर उसे साफ किया जा रहा है। महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये तो बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो है कि हथियारों की बहुत तरीके से धुलाई हो रही है और उन्हें साफ करने का जो वीडियो सामने आया, इसके बाद कैसे एक्शन लिया गया? बिल्कुल रीनू, देखिए मुरैना में अवैध हथियारों को लेकर के कई बार देखा जाता है कि घटना को अंजाम दिया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि कई बार पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भी अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। लेकिन आज जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में एक महिला अपने घर पर अवैध हथियारों की सफाई कर रही थी, सफाई यानी कि जंग लग गई थी, उन हथियारों को बेचने के लिए सफाई कर रही थी। इस दौरान जो वीडियो जब पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए जो अम्बा एसडीओपी हैं उन्होंने और महुआ थाना प्रभारी ने गणेशपुरा में जाकर के दबिश दी। इस दौरान महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और जो अवैध हथियार थे उन्हें भी बरामद किया है और कुछ अवैध हथियार बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। तो यानी कि एक बात तो साफ है कि यह जो हथियार साफ किए जा रहे थे और उनके साथ में जो सामग्री मिली है, उससे ये बात साफ होती है कि ये अवैध हथियार बनाने का कार्य करते थे और लंबे समय से कार्य किया जा रहा था, ये अभी सूत्रों से खबर मिल रही है। लेकिन अब ये हथियार कहां कहां खपाए हैं इन्होंने, ये एक बड़ी चुनौती होगी। पुलिस हालांकि हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि पुलिस आखिर इस कार्रवाई के बाद अब कहां तक पहुंचती है, क्या ये जो फैक्ट्री चलती थी उसकी तह तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल ये जो 4 आरोपी हैं उन्हें लेकर के अब जो अन्य तस्कर हैं और अवैध हथियार का कारोबार करने वाले लोग हैं, उन सभी में हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, ये तो जाहिर सी बात है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन मुरैना में बहुत ही आम लगने लगा है ये देखकर, जिस तरीके से हथियारों की सफाई हो रही है। न जाने कितने ऐसे और लोग होंगे जो अवैध तरीके से हथियार रखते हैं, और इस तरीके से खुलेआम फायरिंग की भी कई सारी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। अमित, बिल्कुल, देखिए अक्सर देखा जाता है कि जब भी फायरिंग होती है या किसी की घटना में किसी की मौत होती है, तो वो अधिकांश अवैध हथियारों से ही की जाती है, जिसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर अवैध हथियार बनाने से लेकर के यहाँ के तस्कर भी मशहूर हैं। क्योंकि पिछले दिन देखा गया था कि जो नूराबाद थाना पुलिस है, उसने कुछ हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वो खंडवासी हथियार तस्करी करके लेके आए थे और वो बामौर इलाके में खपाने के लिए जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो ये अवैध हथियार नहीं बल्कि लाइसेंसी हथियारों की महिला सफाई कर रही है, और इस तरीके से बड़े ही अलग ही अंदाज में सफाई कर रही है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल महिला को कोई खौफ नहीं है, ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही किसी का खौफ है। यही वजह है कि बड़े ही आसानी तरीके से और इस तरीके से सफाई कर रही है कि ऐसा लग रहा हो कि अब तो महिला को पुलिस का खौफ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, तो और ये जो महिला का हथियारों को सफाई करने का अंदाज है, ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही हैबिचुअल है इस तरीके से हथियारों की सफाई करने के लिए। और बहुत अजीब है कि पानी में डालकर बाकायदा ब्रश लगाकर हथियारों को साफ किया जा रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये वीडियो सामने आने के बाद एक्शन लिया गया है, और अब आगे भी जांच के बाद पुलिस कर रही है और आगे बढ़ेंगे। जहां राजनांदगांव से खबर है, नक्सलियों के 5 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी नक्सलियों के लिए वसूलते थे लेवी, और 1 करोड़ से अधिक लेवी की वसूली की गई थी। लेवी वसूल कर नक्सली संगठनों तक पहुंचाया जाता था। आरोपियों ने नक्सलियों के लिए वसूली लेवी, और ये देखिए जहां पर 5 नक्सलियों के साथियों को गिरफ्तार किया है टीम ने। राजनांदगांव का ये पूरा मामला है, और ये जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, दरअसल ये नक्सलियों के लिए लेवी की वसूली करते थे। और संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए हैं। राकेश, नक्सलियों के 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से वसूली की घटनाओं को अंजाम देते थे, और कैसे ये जानकारी पुलिस टीम को लगी, फिर एक्शन लिया गया? बता दो अपने दर्शकों को कि ये जो नक्सली सहयोगी हैं, इन्हें मोहला मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और आईजी दीपक झा है वो प्रेस वार्ता लेके मामले का खुलासा किए हैं। इनके द्वारा लेवी वसूल की जाती थी, नक्सलियों का पैसा वसूला जाता था इनके द्वारा,
और ये पैसा वसूल के नक्सलियों को दिया जाता था, वो संगठन में इस पैसे का उपयोग करते थे। साथ ही बताना चाहूंगा कि एक नक्सली सहयोगी कुछ दिन विधानसभा पूर्व विधानसभा चुनाव के पूर्व गिरफ्तार किया गया था सुरजू टेकाम करके, तो उसके लिए फ्लाइट टिकट भी इसी पैसे से खरीदा गया था, इनके द्वारा खरीदा गया था ताकि वो दिल्ली जा सकें, देश के अलग अलग हिस्से में जा सकें और नक्सली संगठन को मजबूत किया जा सके उसमें। साथ ही नक्सली नेताओं से भी इस पैसे से मुलाकात करने में इस पैसे का उपयोग किया गया है, नक्सली संगठन को भी मजबूत करने का इस पैसे का उपयोग किया गया है और अन्य जो नक्सलियों की जो गतिविधियां होती हैं उसमें इस पैसे का उपयोग किया गया है। और बहुत बड़ा एक अमाउंट इनके द्वारा वसूला गया था, लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई थी जिसे नक्सली संगठन में इनके द्वारा दिया गया, इनके द्वारा कबूल किया गया है, ये खुलासा पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राकेश। और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है क्योंकि जिस तरीके से लेवी की वसूली करते थे ये सभी आरोपी नक्सलियों के लिए काम करते थे, उन्हें कहाँ आना जाना है, कैसे उनके हथियार खरीदने हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट की टिकट्स भी इसी लेवी की वसूली के रुपयों से की जाती थी। और ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 5 नक्सलियों के साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।